कितना एक एंट्रोपी को क्रैक करना है। अब जैसे एक उसका एक मीडियम रेंज है, हमें ना बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना है और बहुत ज्यादा बिगनर लेवल पे भी नहीं रहना। एक तो होता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो कैंपस सेलेक्शन होता है, कि आपने आउट ऑफ द कैंपस सेलेक्शन किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो उसी दौरान हॉस्पिटल में ही मतलब अपना तैयारी चलता रहा अपना, तो खैर ओवरऑल एंट्रेंस किसी तरह क्रैक किया। तो उस टाइम मेरा ये टारगेट था कि किसी तरह भी मैं एंट्रेंस क्रैक करना ही। तो इंटरव्यू में जब जाते हैं तो उसके लिए हमें अगर डिप्लॉय करते हैं हम अपने मॉडल को, है ना, यानी फ्रंट एंड उसका डिज़ाइन करके उसको डिस्प्ले करते हैं, तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट। तो मैं ये था कि सिक्योरिटी क्लासेस, चूंकि मेरा एक फ्रेंड था तो वो भी ज्वाइन किया था तो मेरे साथ में ज्वाइन कर लिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा मतलब अंदर कॉन्फिडेंस आया मैथ्स को लेकर, प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर। तो हमजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुप्रीम के इस प्लेटफॉर्म पे। और जैसे कि आप अभी MSc कर रहे हैं AMU से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और आपने इंटर्नशिप ट्रैक किया है, वो भी मतलब एक तो होता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो कैंपस सेलेक्शन होता है, कि आपने आउट ऑफ द कैंपस सेलेक्शन किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो आइए आज इसी पे थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आप सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आपके बारे में, आप किस तरीके से आप पहुंचे हैं और क्या आपकी जर्नी रही है। मैं बैचलर बीटेक इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग और AMU से ही, और मेरा चूंकि बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था उसका ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं होता है स्टैटिस्टिक्स से और डेटा साइंस से, सो इसकी वजह से मुझे प्रिपेयर करना था फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। तो असल में मुझे इंटरेस्ट था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में और कोडिंग और इस तरफ की। तो आई वॉज कन्फ्यूज कि किधर जाना है। तो स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया वेब डेवलपमेंट से, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक मेरा दोस्त था तो उसने बताया कि डेटा साइंस करना चाहिए, तो फिर मैंने डेटा साइंस की तैयारी की फ्रॉम स्क्रैच। ओके, तो तैयारी तो शुरू कर दी, लेकिन ये नहीं था कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो ओवरऑल ये था कि फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आया, फैमिली इशूज भी आया, थोड़ा एडमिट हो गए थे। तो उसी दौरान हॉस्पिटल में ही मतलब अपना तैयारी चलता रहा अपना। तो खैर ओवरऑल एंट्रेंस किसी तरह क्रैक किया। तो उस टाइम मेरा ये टारगेट था कि किसी तरह भी मैं एंट्रेंस क्रैक करना है AMU का। उससे AMU का इसलिए क्योंकि मैंने उस टाइम रिसर्च किया था तो डेटा साइंस के नाम से जो कोर्सेज अवेलेबल थे इंडिया में तो वो वेरी फ्यू सेलेक्टेड थे, तो मैंने ऑप्ट किया AMU कि AMU में जाना सही रहेगा और मैं उसकी तैयारी ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगा। तो खैर मैंने तैयारी की और एंट्रेंस क्रैक किया। उसके बाद ये हुआ कि स्टैटिस्टिक्स चूँकि मतलब बैकग्राउंड नहीं था मेरा, तो मैं ये था कि सिक्योरिटी क्लासेस चूँकि मेरा एक फ्रेंड था तो वो भी ज्वाइन किया था तो मेरे साथ में ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा मतलब अंदर कॉन्फिडेंस आया मैथ्स को लेकर, प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर और स्टैटिस्टिक्स को लेकर। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं हम भी कर सकते हैं, मतलब भले ही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है उससे ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं है हमारा, लेकिन अगर हम फोकस होकर अगर चीज़ों को वेल प्लान मैनेज अंदाज में चले तो हम लोग कर सकता है कोई भी। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया सर। फिर उसके बाद जर्नी तो स्टार्ट हो गई, लेकिन फिर ये था कि जैसे AMU में ये है हमारा जो कोर्स है उसमें 3 सेमेस्टर तक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर तक थ्योरी है, सब्जेक्ट्स हैं, और कोर्स तो बहुत अच्छा है, सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब फोर्थ जो सेमेस्टर है उसमें एक भी सब्जेक्ट नहीं है और उसमें हमें इंटर्नशिप ऑफ करना है ना, तो वही कि हमारा डिसर्टेशन हो जाता है। तो उसके लिए मतलब स्टार्टिंग से था कि नहीं मुझे तो इंटर्नशिप स्टार्टिंग से अपने से ही करना है ना, कि अपने से अप्लाई करना है और अपने से एफर्ट्स देना। तो मैं डेली क्लासेस भी करता था और रात को आने के बाद मैं नोट्स रिवाइज करता था, बुक्स से पढ़ता था। तो पहले स्टार्टिंग में मैंने बहुत 2-3 महीने स्टार्टिंग में मतलब सिर्फ थ्योरी पे कॉन्सेंट्रेट किया और प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा मतलब मैंने अपना नहीं दिया। कुछ थ्योरी बेसिक्स करनी थी डेटा साइंस मशीन लर्निंग की, एल्गोरिदम जितने सारे हैं, सुपरवाइज बेसिकली सुपरवाइज से स्टार्ट किया था मैंने। सुपरवाइज थोड़ा सा अच्छा हो गया, उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ कि यार नहीं प्रोजेक्ट्स करते हैं। फिर हम लोग ने थोड़ा एक छोटा सा ग्रुप बनाया, मशीन लर्निंग ग्रुप बनाया और क्लास में थोड़ा इंटरेक्टिव उसको बनाया, तो उसमें थोड़ा डिस्कशन होने लगा कि कैसे क्या करना है। फिर ये हुआ कि अब हमें ना आगे बढ़ना चाहिए, मतलब सुपरवाइज मार्केट में सिर्फ सुपरवाइज की जरूरत नहीं है, NLP हो गया, इमेज प्रोसेसिंग हो गया, ये सब की भी ज़रूरत है। तो
फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने यूट्यूब वगैरह से मतलब डीप लर्निंग और NLP और इमेज प्रोसेसिंग स्टार्ट किया। उसके बाद सर एक छोटा सा मैंने एक कोर्स ले लिया था यूडेमी पे, 120 प्रोडक्ट्स नाम का एक, बहुत 380 समथिंग रुपीज़ का, तो बहुत छोटा सा कोर्स किया। और फिर वहाँ से मैंने सीखा कि कैसे प्रोजेक्ट्स को मतलब प्रोसीड कर। उसके बाद प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए और खुद से जो है फ्रॉम द स्क्रैच प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए। फिर इसके साथ साथ ये था कि हम जब इंटरव्यू में करते हैं ना, तो इंटरव्यू में जब जाते हैं तो उसके लिए हमें अगर डिप्लॉय करते हैं हम अपने मॉडल को, है ना, यानी फ्रंट एंड उसका डिज़ाइन करके उसको डिस्प्ले करते हैं, तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। फिर वो भी सीखा सर, फ्लास्क HTML CSS JavaScript वो जो होता है, तो डिप्लॉयमेंट भी सीखा। तो उसके बाद मैंने अपने प्रोजेक्ट्स किए बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग पे, रिग्रेशन पे, क्लासिफिकेशन पे, NLP पे दो तीन किए, और इमेज प्रोसेसिंग पे भी किए, और फाइनली एक जो प्रोजेक्ट किया वो टाइम सीरीज एनालिसिस पे था। तो उसके बाद मैंने इंटर्नशिप्स के लिए, फिर जब मैंने जब सारी तैयारी कर ली, थ्योरी से एकदम अपने मजबूत कर लिए और सारी तैयारी कर ली प्रोजेक्ट्स को लेकर, उसके बाद मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया। और सर मैंने अप्लाई किया था अराउंड 30-40 जगह, शॉर्टलिस्ट तो बहुत जगह हुए, लेकिन प्रोसेसिंग में टाइम आता है। तो दो जगह से मतलब इंटरव्यू हुआ। फर्स्ट सर मैंने इंटरव्यू दिया था, मतलब उस टाइम तो कुछ आइडिया नहीं था, तो मैंने बस स्टार्टिंग के फेज में दे दिया, तो वो ऑफर कर रहे थे 1000 रुपीज़ पर मंथ, तो मैंने उसके लिए इंटरव्यू दिया था। तो उतना मोटिवेटेड नहीं था क्योंकि पेमेंट इतनी अच्छी नहीं थी, तो खैर वो थोड़ा सा अच्छा नहीं गया मेरा, तो उसमें रिजेक्शन हुआ। लेकिन जो सेकेंड इंटरव्यू थी तो उसमें 50K पर मंथ दे रहे थे वो, तो उसमें थोड़ा एक्साइटमेंट था कि नहीं कुछ अच्छा हो सकता है इसमें। तो वही सर कि फिर प्रोजेक्ट्स इतने थे तो उसकी के बेसिस पे इंटरव्यू हुआ। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्योंकि आपका ऑफ द कैंपस ये सारा सिलेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, तो आपने किस तरीके से पहले अपना रेज्यूमे क्रिएट किया, या फिर किस तरीके से आपने अप्लाई किया ये सारे, मतलब कैसे इन सबको ढूंढा आपने? स्टार्टिंग से ये था कि मुझे इंटर्नशिप्स और ये जो सेल्फ मतलब ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा मुझे, तो मैंने हर एक एल्गोरिदम, हर एक थ्योरी को उतना डीप में पढ़ा जितना एक इंटरव्यू को क्रैक करना है। अब जैसे एक उसका एक मीडियम रेंज है, हमें ना बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना है और बहुत ज़्यादा बिगनर लेवल पे भी नहीं रहना, तो एक मीडियम रेंज है, क्योंकि हमारा लिमिटेड शॉर्ट टाइम होता है ड्यूरिंग हमारा मास्टर्स ना अकेडमिक्स भी होती है, तो हमें मीडियम रेंज तक जाना था। स्टार्टिंग से ये था कि किसी में भी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, मीडियम रेंज में हम इंटरव्यू क्रैक करें। तो बहुत सारे इंटरव्यू देख रखे थे कि कैसे लोग पूछते हैं, तो उतना तैयारी कर लिया थी, प्रोजेक्ट्स तैयार किए स्टार्ट। प्रोजेक्ट के बिना सर मतलब सीरियसली कोई फ़ायदा नहीं है कहीं भी अप्लाई करने का, मतलब कुछ होना फ़ायदा नहीं होगा उसका। प्रोजेक्ट तो मतलब क्या कहें, बेसिक रिक्वायरमेंट है, बिना प्रोजेक्ट के सर कुछ भी नहीं हो सकता। तो प्रोजेक्ट पे बहुत कमांड किए ना अलग अलग फील्ड में, मतलब मैंने 5-6 प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अच्छे मतलब उसमें भी क्वालिटी के प्रोजेक्ट्स किए। फिर उसके बाद सर अप्लाई करना शुरू किया मैं इंटर्नशाला पे और अलग अलग जो लिंक्डइन है या फिर ग्लास डोर वगैरह पे अप्लाई करना शुरू किया। लेकिन इंटर्नशाला पे ये था कि थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छा आ जाता था, फ्रिक्वेंट आ जाता था, तो उसके थ्रू मेरा प्रोसीजर आगे हुआ। तो कहने का मतलब आपने ऑनलाइन ही जाकर के सर्च किया, तो जैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म इंटर्नशाला है, Naukri.com है, या फिर लिंक्डइन, सबसे बेस्ट लिंक्डइन भी काफी अच्छा है क्योंकि वहां पे आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इन सब के थ्रू, जो भी बच्चे अगर देख रहे हैं तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो फिर उसके बाद का क्या प्रोसीजर हुआ? जब जिसमें सिलेक्शन हुआ मेरा, तो उसमें फर्स्ट प्रोसीजर ये था कि इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू पहला मेरा जो राउंड था वो 30 मिनट का था, उसमें बेसिकली जो हमारे प्रोजेक्ट थे तो उसी के रिलेटेड बातें हुई। जो सेकेंड राउंड था वो थोड़ा सा डीपर इंटरेक्शन था, इंटरव्यू राउंड था, और उसमें अराउंड 1.5 आवर का वो सेशन था। उसमें जितने सारे प्रोजेक्ट्स मैंने किए थे, एक एक प्रोजेक्ट को मतलब हम लोग एक्सप्लोर किए थे और इन डेप्थ उसमें बातें हुई थी, क्वेश्चन आंसर्स हुए थे, जितने भी एल्गोरिदम्स थे और जितने भी मैंने जो प्रोसीजर था कि किस तरह किया उसको, किस तरह प्रोसीड किया है ना, कि दूसरा तरीका क्यों नहीं अपनाया, तो ये इस तरह की बातें हुई। और फिर उसमें हम उसमें डिस्कशन हुआ। जो थर्ड राउंड था वो चीफ टेक्निकल ऑफिसर के अंडर था, टेक्निकल इंटरव्यू था वो, और स्पेशल उनकी ये थी कि वो MIT से पास आउट थे, तो पहले से थोड़ा सा वो एंग्जाइटी सी हो रही थी कि पता नहीं कैसा जाएगा,
लेकिन खैर वो भी इन टेक्निकल इंटरव्यू था, तो उसमें भी जो मेरे प्रोजेक्ट्स थे तो उसमें टेक्निकल मतलब एक्सप्लेनेशन और है ना डिस्कशन हुआ, और फिर वो भी अलहमदा अच्छा गया। फिर फाइनल जो था वो फाइनल असाइनमेंट था वो एल्गोरिथम ट्रेडिंग के ऊपर था, तो हमें फोरकास्ट करना था स्टॉक प्राइसेस को फ्यूचर में, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो वो खैर किसी तरह किया। लेकिन वो असाइनमेंट एक्चुअली ना कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि स्टॉक मार्केट जो प्रोजेक्ट होता है वो मतलब फोरकास्ट करना उसको इम्पॉसिबल है एक्चुअली। तो बस वो उसमें ये देखना चाह रहे थे कि मेरा अप्रोच क्या है और किस तरह थिंकिंग है और कितना मैं क्लोज जा रहा हूँ आंसर के। तो वो प्रोजेक्ट यू नो सेमी फिनिश्ड रहा, लेकिन वो उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स इस हिसाब से आया कि जो अप्रोच था वो उनको पसंद आया, और जो नॉलेज थी क्योंकि अल्गोरिथम से मैंने पहले बताया कि थ्योरी बहुत अच्छे से कर रखा था तो वो उनको पसंद आया, और फिर जो जो एफर्ट्स लगाए थे सर, उस 5 दिनों का टाइम मिला था तो लिटरली सर मैं सिर्फ 2-3 घंटा सो रहा था डेली, तो वो जो एफर्ट्स उन्होंने पूछा कि आपने क्या क्या एफर्ट्स लगाया है तो वो उनको पसंद आया बेसिकली फाइनल राउंड में। वैसे भी अगर कोई कंपनी जो आपसे मिलने आए तो ये नहीं चाहती है एकदम एक्सपर्ट ही कोई बंदा हो आया, तो जानती है कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई अलग जगह है, जो काम करेंगे वो अलग जगह है, तो चीजें एकदम डिफरेंट होने वाली है जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, तो देखना चाहते हैं कि आप पॉजिटिव है कि नहीं चीजों को लेकर के, आप किसी भी चीज को लेकर के लर्न कर सकते हैं कि नहीं तुरंत, या आपका एटीट्यूड कैसा है कि नहीं हमको तो सब आता है, हमारा एटीट्यूड तो नहीं है, तो वो चीज है। इसलिए आई थिंक जो आप बोल रहे हो कि, और दूसरी चीज ये भी है कि हाँ आप सही तरीके से टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, मतलब वो चीज है वो आपके प्रोजेक्ट में जरूर दिखा होगा। अच्छा तो मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कि आपने तो पहला आपका कॉलेज भी था मास्टर्स का, उसके साथ साथ आपने इंटर्नशिप क्रैक किया, तो मैं जानना चाहूंगा कि इन दोनों चीजों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई इंटर्नशिप को क्रैक करने में, मतलब कि क्योंकि कॉलेज भी है उसे भी देखना है, उसके एग्जाम्स है, बहुत सारी चीजें हैं, इंटर्नशिप के लिए भी बार बार ट्राई करना है, तो क्या प्रॉब्लम्स आई जिसको आपने फेस किया और किस तरीके से उसे आपने टैकल किया? तो एकेडमिक्स के साथ साथ इस चीज़ को करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, जब हम फ्री रहते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन एकेडमिक्स के साथ थोड़ा स्टार्टिंग से टफ रहा है ना, लेकिन उसमें स्टार्टिंग से मैं ये रहा कि मुझे इंटर्नशिप्स और इस तरफ तो जाना है ना, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा सोचता रहा, तो स्टार्टिंग से मैं ये किया कि मुझे मतलब कोई भी कोडिंग या प्रोजेक्ट करने से पहले थ्योरी बेस करना होगा, तो जो भी क्लास में होता था तो क्लास से मैं पढ़कर जो है एफर्ट्स लगाता था, और मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग से एक्स्ट्रा एफर्ट्स रहे कि सारे एल्गोरिथम्स के डीप नॉलेज होनी चाहिए और जितने भी उसके बेसिक्स हैं उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, तो मैंने स्टार्टिंग के 2-3 महीने ऐसे ही मतलब मेरा चला कि जो क्लास में चल रहा है उससे थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के थ्योरी पे बेसिक पहुँच के, फिर उसके बाद थोड़ा जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ा, लेकिन प्रोजेक्ट में ये दिक्कत आ रही थी कि वो अकेडमिक्स से थोड़ा सा अलग हो जा रहा था, अकेडमिक्स में थ्योरी चलता है और हमारा जो प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा था, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने एक्चुअली मैं एक महीना लगातार जो मतलब मैं इस तरह होता था कि सेशनल्स के टाइम होता था तो सुबह को सेशनल रहते थे तो मैं रात भर जो है मतलब रात भर जग कर मैं प्रोजेक्ट्स करता था, और फिर उसी के टाइम जो ये सेशनल्स होते उसकी पढ़ाई करता एग्ज़ाम की तैयारी करता, और फिर जो है पेपर देकर आता फिर सो जाता था, फिर इसी तरह रात भर मेरा चलता, तो एक महीना मैंने बहुत बीच में एफर्ट्स लगाए थे कि जो है रात प्रोजेक्ट्स करता, और जो मैंने टाइम डिवाइड कर रखा था कि एग्ज़ाम का टाइम है तो एग्ज़ाम को देना है लेकिन साथ साथ हमारा प्रोजेक्ट का भी काम चलना है, तो वो भी दोनों साथ साथ चल रही थी। इसके बाद हम लोग का जब समर वेकेशन हुआ तो इसमें गेम चेंजिंग इसी में हुआ कि मैंने अपने फुल एफर्ट्स लगा दिए कि भाई ये एक महीने में कुछ होगा तो होगा नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, फिर उसमें एक महीने में मैंने जो है अपने जितने प्रोजेक्ट्स थे उस पर ज़्यादा फोकस किया और एक बार फिर से सारी थ्योरी को अंडरस्टैंड किया, और जितने पाँच या छः प्रोजेक्ट किए उस पर उसी एक महीने में किया। उसके बाद जब तैयार हो गया मेरे सारे प्रोजेक्ट तो अगस्त से मैंने स्टार्ट किया इंटर्नशिप्स में अप्लाई करना, और एंड ऑफ द अगस्त में सेकेंड इंटरव्यू में ही मेरा आरंभ हो गया। तो अगर कुछ स्टेप्स बताने हो तो किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए कि क्या किस तरीके से उनको प्रिपरेशन करना चाहिए अपने इंटर्नशिप के लिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर पहले तो ये है कि हमारी थ्योरी पे कमांड हो जाए, बिना थ्योरी के मतलब डेटा साइंस और जो बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस तरह जो चीज़ों के बहुत डिफरेंस है दोनों में,
इसमें क्या है ना कि हर एक एल्गोरिदम से बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होनी चाहिए ना, स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होनी चाहिए बहुत अच्छे से। तो फर्स्ट है कि बिना थ्योरी के तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमें थ्योरी में कमांड होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास थ्योरी में कमांड होनी चाहिए। फिर तो सेकेंड ये है कि हमारा टारगेट होना चाहिए प्रोजेक्ट्स हमारे, जैसे मैं देखता हूँ कि अभी सराउंडिंग में कुछ स्टूडेंट्स दिखते हैं तो वो थ्योरी से पढ़ लिया उसके बाद ही अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद अप्लाई करना है ना, कोई मतलब सेंस नहीं बनता है। असल में हमें करना चाहिए प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट्स हमारा टारगेट होना चाहिए। किसी भी जॉब क्रैक करना हो या इंटरव्यू क्रैक करना हो, इंटर्नशिप क्रैक करना हो, तो हमारा टारगेट सेकेंडली होना चाहिए प्रोजेक्ट्स। उस प्रोजेक्ट को कैसे हम करेंगे तो वो एक चैलेंजिंग टास्क है। उसके लिए हमें ना अपने एकेडमिक्स के साथ बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ बस एक बात यह है कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स सर देने पड़ेंगे, हार्ड वर्क जो है ना देने पड़ेंगे, उसके बिना नहीं हो पाएगा। कि यू नो कि हो सकता है रात को 2-3 घंटा ज़्यादा जगना पड़े, स्लीप कम, ये सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सर थ्योरी है और उसके बाद जो है प्रोजेक्ट्स पर अपना कमांड हासिल करना है, और फिर फाइनल जो था वो इंटरव्यू प्रिपरेशन, क्योंकि वो भी थोड़ा सा एक चैलेंजिंग टास्क होता है, फाइनल इंटरव्यू प्रिपरेशन।